Hello students, I'm going to explain next topic of the chapter 3, maps and directions. Today's topic is maps of countries and the world. आज का टॉपिक हमारा है maps of countries and the world, यानी देशों के नक्शे और साथ ही जो पूरा वर्ल्ड है उसका नक्शा, ठीक है? There are 7 continents. तो वर्ल्ड में कितने कॉन्टिनेंट्स हैं? 7 कॉन्टिनेंट्स हैं एंड 195 कंट्रीज इन द वर्ल्ड. और वर्ल्ड में कितनी कंट्रीज हैं? 195. ऑल दीज कॉन्टिनेंट्स एंड कंट्रीज आर शोन विथ आउटलाइंस एंड सिंबल इन अ वर्ल्ड मैप. तो आपको यहाँ पे वर्ल्ड का मैप शो किया गया है. तो जितने भी कंट्रीज हैं और जो 7 कॉन्टिनेंट्स हैं उनको इसमें शो किया गया किसके थ्रू? आउटलाइंस के थ्रू एंड सिंबल्स, और सिंबल्स के थ्रू इन वर्ल्ड मैप, जो विश्व का नक्शा है उसमें कॉन्टिनेंट्स को और कंट्रीज को सिंबल्स और आउटलाइंस के थ्रू शो किया गया है. अ वर्ल्ड मैप शो ऑल द कंट्रीज इन द वर्ल्ड. और वर्ल्ड का जो मैप है, ये आपको मैप जो शो किया गया है इसमें किसको शो किया गया? ऑल द कंट्रीज इन द वर्ल्ड. तो वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज हैं उनको शो किया गया है एज दे आर सीन फ्रॉम अबव, यानी ऊपर से, यानी आसमान से जब हम देखते हैं तो हमें ऐसा ही दिखाई देता है, वर्ल्ड जो है ऐसा ही शो होता है. तो उसको आउटलाइंस के थ्रू शो किया गया है. सच अ मैप इज कॉल्ड पॉलिटिकल वर्ल्ड मैप. और इस टाइप का मैप क्या कहलाता है? वर्ल्ड पॉलिटिकल मैप, यानी विश्व का राजनीतिक मैप, पॉलिटिकल मैप. बिसाइड दीज कंट्रीज, इन कंट्रीज के अलावा भी देयर आर रिवर्स. और क्या क्या हैं? बहुत सारी नदियाँ हैं, ओशियंस सागर हैं, एंड लैंड फॉर्म, और साथ ही लैंड फॉर्म मीन्स जहाँ पे हम रहते हैं, हम लैंड पे रहते हैं ना, यानी जो रहने की जगह है इन द वर्ल्ड उसको शो किया गया है. यानी वर्ल्ड में कंट्रीज कहाँ हैं, रिवर कहाँ हैं, ओशियंस कहाँ, समुद्र कहाँ हैं, और जो लैंड है यानी सूखी धरती कहाँ है उसको शो किया गया है वर्ल्ड के मैप में. यानी वर्ल्ड में कौन सी कंट्री कहाँ पे है, रिवर्स कहाँ पे हैं यानी नदियाँ कहाँ कहाँ पे, कौन सी नदियाँ हैं, सागर कौन कौन से हैं, कहाँ पे हैं, और साथ ही जो रहने की जगह है वो कहाँ कहाँ है उसको शो किया जाता है वर्ल्ड के मैप में. द मैप शोइंग ऑल दीज इज कॉल्ड अ फिजिकल मैप. और जो भी इन सारी चीज़ों को जिस मैप में शो किया जाता है उसको क्या कहा जाता है? फिजिकल मैप कहा जाता है. यानी जिसमें सारी कंट्रीज़ को, जो सारी कंट्रीज़ को शो करता है, यानी वर्ल्ड में 195 कंट्रीज़ हैं और 7 कॉन्टिनेंट्स हैं. तो जो मैप उसको शो करता है वो होता है पॉलिटिकल मैप. लेकिन जिस मैप में क्या चीज़ शो किया जाता है? कंट्रीज़, साथ ही रिवर्स, ओशियंस, लैंड फॉर्म, ये चीज़ें भी शो की जाती हैं, उसको कहा जाता है फिजिकल मैप. तो स्टूडेंट्स, आपके सामने दो मैप हैं. ये जो ऊपर वाला मैप है जिसमें कंट्रीज़ को अलग अलग कलर्स के थ्रू शो किया गया है, ये है पॉलिटिकल मैप. और उसके नीचे जिसमें कंट्रीज़ के साथ साथ क्या शो किया गया है, रिवर्स को शो किया गया है, ओशियंस को शो किया गया है, और साथ ही लैंड फॉर्म्स को शो किया गया है, तो ये है आपका फिजिकल मैप. ओके, देयर आर लार्ज मैप्स दैट कैन बी हंग ऑन द वॉल.
यानी कई सारे जो मैप हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं जिनको हम वॉल पे टांग सकते हैं। दीज मैप्स आर कॉल्ड वॉल मैप्स। तो अगर हम उनको वॉल पे हैंग करते हैं तो क्या कहलाते हैं? वॉल मैप कहलाते हैं। टुडे मैप्स आर आल्सो अवेलेबल ऑन द इंटरनेट। और आज के टाइम में मैप्स कहाँ पे अवेलेबल हैं? इंटरनेट पे आपको इजीली अवेलेबल हैं। डिड यू नो व्हेन द अर्थ इज़ व्यूड फ्रॉम स्पेस इट लुक्स ब्लूइश ग्रीन। क्या आप जानते हैं व्हेन द अर्थ इज़ व्यू फ्रॉम स्पेस, जब हम अर्थ को यानी धरती को स्पेस से अंतरिक्ष से देखते हैं, आकाश से देखते हैं, इट लुक्स ब्लूइश एंड ग्रीन। तो ये कैसी दिखाई देती है? ब्लूइश एंड ग्रीन, नीली और हरी दिखाई देती है। यानी जो एरिया वाटर का है वो कैसा दिखाई देता है? ब्लू। और जहाँ पे लैंड है वहाँ पे ग्रीनरी की वजह से वो ग्रीन दिखाई, वो एरिया ग्रीन दिखाई देता है, फॉरेस्ट की वजह से वो ग्रीन दिखाई देता है। द लैंड इज़ विजिबल इन ग्रीन, यानी जो लैंड है वो ग्रीन दिखाई देता है, वाइल वाटर इज विजिबल इन ब्लू, जबकि वाटर जो है ब्लू दिखाई देता है। अ मैप कैन बी मेड फ्रॉम एनी प्लेस और लोकेलिटी। अ मैप कैन बी मेड फॉर एनी प्लेस और लोकेलिटी। मैप को हम किसी भी जगह किसी भी अ मैप कैन बी मेड फॉर एनी प्लेस और लोकेलिटी, यानी हम नक्शा जो है किसी भी जगह का यानी किसी भी समाज का हम बना सकते हैं। इट कैन बी मेड फॉर अ स्मॉल नेबरहुड, एक स्मॉल एक छोटे से आस पड़ोस का भी नक्शा बनाया जाता है जा सकता है, एंड ऑल्सो फॉर अ कंट्री एज बिग एज इंडिया, और साथ ही एक देश का भी बनाया जा सकता है कि एक बड़ा देश है भारत, यानी हम उसका भी बना सकते हैं और एक छोटे गांव का भी हम मैप बना सकते हैं। अ बुक ऑफ मैप्स इज कॉल्ड एन एटलस। ए बुक ऑफ मैप्स यानी वो किताब जिसमें बहुत सारे नक्शे होते हैं, यानी नक्शों की किताब को क्या कहा जाता है? एटलस कहा जाता है। इंडिया हैज़ 28 स्टेट्स। इंडिया में कितने स्टेट्स हैं? 28 एंड 9 यूनियन टेरिटरीज। और यूनियन टेरिटरीज कितनी हैं? 9 हैं। यू कैन सी हाउ ईच स्टेट इज मार्क विद एन आउटलाइन। तो आप ये नीचे जो मैप दिया हुआ है इसमें आप देख सकते हैं कैसे ईच स्टेट इज मार्क विद एन आउटलाइन, हर स्टेट को एक आउटलाइन से मार्क किया गया है। You can also see the water bodies and the country that surround it. आप साथ ही इस मैप में क्या देख सकते हैं? Water bodies, यानी पानी के जो संसाधन हैं उनको देख सकते हैं, साथ ही कौन कौन सी कंट्री से ये घिरा हुआ है हमारा देश उसको भी देख सकते हैं, यानी इसके अगल बगल कौन कौन से देश हैं उनको देख। Our country also has neighboring country. Our country also has neighboring country. यानी हमारा देश है उसके आस पड़ोस में भी कई सारे देश हैं, इसके पड़ोसी भी देश हैं। These are कौन कौन से हैं? पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश एंड श्रीलंका। यानी ये कंट्री जो हैं हमारे नेबर कंट्री हैं, नेबरिंग कंट्री, इंडिया की ये नेबरिंग कंट्री है। वी आर ऑल्सो सराउंडेड बाई ह्यूज वाटर बॉडीज। और साथ ही हमारा कंट्री किससे घिरा हुआ है? ह्यूज वाटर बॉडी यानी बहुत बड़े जल के संसाधन से घिरा हुआ है। और वो क्या है? लाइक बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी, द अरेबियन सी अरब सागर एंड द इंडियन ओशियन और साथ ही हिंद महासागर से घिरा हुआ है। यानी अगर आप इंडिया का मैप देखें तो नीचे का एरिया है इसमें आपको क्या दिखाई देगा?
ये आपको यहाँ से बे ऑफ बंगाल दिख रहा है, साथ ही इंडियन ओशियन है, और ऐसे करके और ये अरेबियन सी है, यानी ये पूरा एरिया जो है ये वाटर बॉडीज है, इससे इंडिया जो है वो घिरा हुआ है। ग्लोब, वी ऑल्सो यूज ग्लोब टू लर्न अबाउट प्लेसेस, यानी जगहों के बारे में जानने के लिए हम ग्लोब का यूज करते हैं, यानी ग्लोब के थ्रू हमें पता चल जाता है कि कौन सी कंट्री कहाँ पे है। अ ग्लोब इज अ मॉडल ऑफ अर्थ ऑफ द अर्थ, अ ग्लोब किसका मॉडल है, वो अर्थ का मॉडल है। विथ कॉन्टिनेंट्स, यानी इसमें भी कॉन्टिनेंट शामिल है, कंट्रीज सारी कंट्रीज शामिल हैं, रिवर्स सारी नदियाँ शामिल हैं, एंड ओशियंस मार्क्ड ऑन इट, और साथ ही जितने भी सागर हैं वो इसमें हैं, यानी ग्लोब में ये सारी चीज़ें हैं। इट रिप्रेजेंट द होल अर्थ, और ये किसको रिप्रेजेंट करता है, पूरी अर्थ को रिप्रेजेंट करता है। वेयर एज अ मैप रिप्रेजेंट्स आइदर द होल अर्थ और अ पार्ट ऑफ इट, जबकि देखिए ग्लोब जो है वो पूरे अर्थ को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन जो मैप है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, आइदर द होल अर्थ और अ पार्ट ऑफ इट, यानी धरती के या तो पूरी धरती को रिप्रेजेंट करता है या उसके एक हिस्से को रिप्रेजेंट करता है, यानी वो केवल उसकी आउटलाइन को रिप्रेजेंट करता है, जबकि ग्लोब जो है वो एज इट इज जैसी अर्थ है उसको रिप्रेजेंट करता है। इट इज लाइक अ बॉल माउंटेड ऑन बेस इन सच अ मैनर दैट इट कैन रोटेट लाइक द अर्थ, और जो ग्लोब है इट इज लाइक अ बॉल, ये एक बॉल की तरह है, एकदम गोल है बॉल की तरह, माउंटेड ऑन अ बेस, और ये किस पे टिकी हुई है, एक नीचे बेस है उस पे टिकी हुई है। इन अ सच अ मैनर, और उसी तरह से इसको बनाया गया है जैसे कि अर्थ है, दैट इट कैन रोटेट लाइक द अर्थ, और इस ये उस पे ऐसे ही घूमती है जैसे कि अर्थ अपने एक्सिस पे मूव करती है, वैसे ही ये ग्लोब जो है उस पे जो बेस है इसका उस पे मूव करता है, रोटेट करता है। ट्राई एंड स्टडी द एटलस, कोशिश करिए और पढ़िए किसको, एटलस को एंड द ग्लोब विद योर टीचर, यानी आपको क्या करना है, आपको मेरे साथ मिलकर के क्या करना है, एटलस को पढ़ना सीखना है और साथ ही मैप को भी, यानी ग्लोब पे भी आपको पता करना है कि कैसे कौन सी कंट्री कहाँ लोकेटेड है, कौन सी रिवर कहाँ से है। तो अगर आप मैप और एटलस को अच्छे से जानेंगे तो आप ये पता लगा पाएंगे। नोट द कलर्स यूज इन देम, और साथ ही जिन कलर्स का यूज़ हुआ है आपको यूज़ करना है। Now students, you can complete. Let's try it. This is your homework.